हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जे। हम आ चुके एक एकेडमी में इंडियन क्रिकेट क्लब। यहाँ पर हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं। मैच होना है जीटी वर्सेस सीएसके, द ग्रैंड फिनाले, आप सभी को पता होगा। तो उसी से जानते हैं कि इन क्रिकेटर्स की क्या राय है, कौन जीत सकता है आज का मुकाबला। एक्सपीरियंस वर्सेस जोश, यानी हार्दिक पांड्या वर्सेस एमएस धोनी, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो भाई छोटू किसके फैन है? गुजरात जायंट्स, टाइटंस, मतलब गुजरात टाइटंस जीत रही है। किस प्लेयर के फैन उस टीम में? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आज जिता रहे हैं सीएसके के अगेंस्ट। हार्दिक पांड्या जिता रहे हैं अपनी टीम को आज मैच। सीएसके को हरा रहे हैं, मतलब आज धोनी हार के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे फैंस हैं उनमें एक यंग टीम का जोश बना हुआ है, वहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या पसंद आएंगे। लेकिन जो थोड़े बड़े प्लेयर्स हमारे साथ, इनसे पूछते हैं भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? सीएसके। ये देखिए जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनमें हार्दिक पांड्या का क्रेज है, लेकिन जो पहले से देख रहे हैं उनमें एमएस धोनी ही इमोशन है आज भी। कौन थ्रेटनिंग प्लेयर हो सकता है सीएसके के लिए गुजरात से, कौन हरा सकता है? गायकवाड़ और सिवन दुबे। नहीं नहीं, गुजरात से कौन होगा जो खतरा हो सीएसके के लिए? गुजरात के गिल गिल राशिद खान। राशिद है तो लास्ट में बॉलिंग से ठीक है। सीएसके की जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं, जो मिडल ओवर्स में अगर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप देखेंगे फिर मोइन अली उस तरह की फॉर्म में नहीं है। रहाणे स्टार्टिंग में अच्छा कर रहे थे लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे, तो वो एक खतरा हो सकता है कि मिडल ओवर्स में। क्योंकि उसके बाद ये है कि शिवम दुबे भी उनके पास है। हाँ, शिवम दुबे तो अच्छा कर रहे हैं, वो तो लगा रहे शॉट्स। और राशिद और नूर को कैसे खेलेंगे जो मिडल ओवर से स्पिनर्स के होंगे बीच के, वो तो देख के पता चलेगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? सीएसके। एक और सीएसके फैन है, तो जीत रहे हैं एमएस धोनी आज। आखिरी सीजन है, पक्का है, एक्सटेंड नहीं करेंगे एक साल? जीत जाएंगे तो जीत गए तो कर सकते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, जीत गए तो एक साल और खेलेंगे वो। तो यही है कहानी कि फैंस को लग रहा है कि जीत गए तो खेल सकते हैं, हार गए तो लास्ट ईयर होगा एमएस धोनी का इस आईपीएल सीजन में। तो एक और भाई मिले हमारे साथ, भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सीएसके। सीएसके को, तो मतलब जो भी है सपोर्ट फिलहाल सीएसके को नजर आ रहा है यहाँ से लेके अहमदाबाद तक। अहमदाबाद में रोड मतलब पीले रंग में रंगी हुई है, निकलने की जगह नहीं है। कौन होगा हाईएस्ट स्कोरर सीएसके के लिए? सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ उनके अलावा कौन हो सकता है अगर बाई चांस नहीं चलते वो? शिवम दुबे ने बहुत शानदार बैटिंग की है आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे। गुजरात के लिए कौन हो सकता है शुभमन गिल के साथ? के लिए शुभमन गिल के साथ मेरे ख्याल से आता है हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में जहाँ तक राशिद खान। राशिद खान कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं सीएसके के लिए आज अगर उनको संभल कर नहीं खेलते हैं? वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे खेलेंगे, स्ट्रेटजी बना के खेलना पड़ेगा उनको, यहाँ तक अपने स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। मिडल ओवर में सीएसके कैसे देखते हैं? अगर हम ओपनिंग में देखें तो डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के दोनों शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर स्टार्टिंग में रहाणे शानदार फॉर्म में थे, लेकिन जब से उनका WTC में सिलेक्शन हो गया है उसके बाद से उनकी फॉर्म कहीं चली गई है। फिर वहाँ पर शिवम दुबे आपको नजर आते हैं, ना मोइन अली की फॉर्म लगी हुई है, धोनी बहुत नीचे आते हैं तो उनसे आप उतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो कितना पर इस बार धोनी से उम्मीद रहेगी कि उसका फाइनल है और हम चाहते हैं कि वो अच्छा करें। तो भाई को धोनी से उम्मीद है, भले मिडल ओवर में विकेट गिरे लेकिन धोनी का लास्ट मैच है और वो यहाँ पर अच्छा करें आके टीम में, यही चाहते हैं। तो यही की पूरी कहानी है। धोनी हर जगह नजर आ रहे हैं, कहीं भी बात करिए धोनी का जो सपोर्ट है, सीएसके का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है आज के मैच में। और ये ना सिर्फ यहाँ वो अहमदाबाद तक, कहीं भी देखेंगे आप तो वो धोनी इमोशन आज भी हैं। हो सकता है उनका लास्ट मैच हो या ना हो, लेकिन सपोर्ट फाइनल में सीएसके को ही कर रहे हैं लोग।